नमस्कार, मैं हूं देवी प्रसाद तूड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और इस वक्त मैं हूं गायत्री शक्तिपीठ टेहरी में, जहां पर कि कुछ लोग मौन साधना के लिए आ रखे हैं महाराष्ट्र से। और जब मैं इनसे मिला तो गदगद हो गया। इनकी भावना, इनकी आस्था, इनका त्याग। और मैं अब इन्हीं में से किसी एक माता बहन से जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे और आपको यहाँ आने के बाद कैसे लगा। तो नमस्ते, हिंदी तो बोल लेंगे आप? हाँ, ठीक है, लेते हैं। तो स्वागत है आपका अपने उत्तरांचल उत्तराखंड देवभूमि में। और बहुत अच्छा लगा कि लोग हमारे यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, और जहाँ हम लोग नहीं आ पाते वहाँ लोग दूर से आते हैं, और तब जाके हम लोगों को पता लगता है यहाँ पर तो ऐसे ऐसे देवस्थान हैं। तो आप ज़रा बताइए यहाँ का अनुभव। हाँ, मेरा नाम संध्या पाटिल है, महाराष्ट्र से आई हूँ। हमें पहले पता नहीं था, सिर्फ हमने टीवी मीडिया पे देखा था कि हिमालय है कहीं पे, सप्तऋषि वहाँ पे साधना करते। हम गायत्री परिवार से जुड़े थे तो हमें टेहरी की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन कैसे जाए, किससे बात करें, नहीं समझ में आ रहा था। तो ये मीडिया सबसे बड़ा प्रचार माध्यम अच्छा है। तो हम फेसबुक पे ज़्यादा काम करते हैं, यूट्यूब चैनल से काम करते हैं, व्हाट्सअप पे काम करते हैं। तो वहाँ पे एक फेसबुक पे एक नई टिहरी का बोर्ड था कि मौन साधना गायत्री शक्तिपीठ टिहरी। तो हमने वहाँ के नीचे नंबर थे, तो हमने उस नंबर पर कॉल किया। तो वहाँ डॉक्टर जोशी हमसे बात किए, तो हमने कहा हमको यहाँ आना है, तो यहाँ का क्या सिस्टम होता है, और इतने महाराष्ट्र से दूर आना है। तो हमें लग रहा था, लोग कहते थे जाओ मत, उत्तराखंड में तो बहुत बारिश हो रही है, कपूर साथ में लेके जाओ, सांस नहीं होगी। लेकिन यहाँ के तो अलग ही निकला। दूसरी एक बात है, सबसे पहले ये जो मीडिया का आपका चैनल है, ये जो भाई साहब है, इनके लिए हम ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे चैनल महाराष्ट्र में अगर आ जाए ना, तो वहाँ पर तो हर एक व्यक्ति को पता चले कि हिमाचल क्या है, सप्तऋषि की साधना क्या है। सिर्फ सुनने से नहीं, तो यहाँ आके करने से पता चलती है। और ये मीडिया के माध्यम से भाई बहुत दो दिन से हमारे लिए समय दे रहे हैं। हमारे बम्बई के मीडिया वाले भी इतना टाइम नहीं देंगे जितना ये दे रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहले बॉम्बे के लिए वेलकम। आप कभी भी आए, आपकी रहने की खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे हमारे गायत्री परिवार तरफ से। ऐसा काम बम्बई में करो, वहाँ भी जगाओ, सिर्फ उत्तराखंड जगा रहे हो, हाँ वहाँ भी थोड़े जगाओ। क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को मालूम नहीं है कि साधना कैसे की जाती है। हम लोग को साधना पता है, थोड़ी पार पता है, लेकिन सिस्टमेटिक यहाँ पे नई टिहरी के शक्तिपीठ में आके अंतर जागरण ऊर्जा जो मिली मौन के माध्यम से, और मस्तिष्क इतना शांत रहा। अगर किसी में कुछ आपस में झगड़ा भी हो तो बोल नहीं सकता था ना, तो गुस्सा होने का प्रॉब्लम ही नहीं है। बीपी बढ़ ही नहीं सकता है, बीपी बढ़ ही नहीं सकता है। मौन साधने में बहुत कुछ सीखने को मिला, मन एकदम शांत हुआ, खुद को पढ़ने को मिला। जो ओम भैया यहाँ पे सुबह योगा करवाते हैं, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, ये वहाँ पे बहुत बढ़िया समझा योग के माध्यम से। और योग होना बहुत जरूरी है। ओम भैया के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने सुबह शाम सुबह हमको एक औषधि, जड़ी बूटी की औषधि दी जिससे हम बीमार ना पड़े। हमको कभी सर्दी नहीं हुई, हमको पहले अस्थमा का प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने योग ये वगैरह करके हमें बहुत अच्छा योगा करवाया हमसे। दूसरी बात, अंतकरण शारीरिक और मानसिक, ये तीनों बातें उन्होंने कहे। कभी किसी से नाराज नहीं हुआ, हम उनसे ये सीखे कि हम 10 बार गलती कर रहे तो एक बार भी वो नाराज नहीं होते, तो हम क्यों नाराज हो। जहाँ जिस शक्तिपीठ में आए हैं, गर्मा गर्म सात्विक भोजन दिया जा रहा है, मंत्रों के साथ बोला हुआ भोजन, जैसे खाए अन्न वैसा होए मन। तो वो जो गायत्री परिवार का गुरुदेव जी का शांति कुंज से नारा चला था, उस नारा का यहाँ पता चला। सबसे और एक बढ़िया बात थी कि ओम भैया ने कंपल्सरी किया था, शक्तिपीठ से सब मैनेजमेंट का था कि स्वाध्याय करो, और ये ड्यूटी हमें दी थी कि सब कर रहे क्या। हमने चेतना की शिखर यात्रा पढ़ी, गुरुदेव जी को समझे, तो गुरुदेव जी को हम सचमुच अच्छी तरह समझे। यहाँ आके बम्बई में नहीं समझे, हरिद्वार में भी नहीं समझे, क्योंकि यहाँ हमसे कंपलसरी स्वाध्याय करवाया गया। अच्छा, आप लोग रुकना चाहूंगा, आपने कितने दिन का मौन व्रत करा यहाँ पे? यहाँ पे हमने 5 दिन का। 5 दिन का। अच्छा, आप में से किसी के मन में ऐसा नहीं आया कि कुछ बोलना चाह रहे लेकिन बोल नहीं पा रहे, ऐसा आया किसी के मन में? किसी के भी नहीं? अच्छा, तो हमारे मन में आया, लेकिन हमारे मन में, मैं तो ड्यूटी करता हूँ, पुरुष के मन में ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा रहता है। ड्यूटी करता था भाई, मोम भाई को बोला, रिक्वेस्ट किया कि मोम भाई मुझे फोन दो, सिर्फ मैसेज करना है कि मुझे बोलना नहीं,
सिर्फ बोलना नहीं, सिर्फ मैसेज करने का है, मुझे बोलना नहीं, इसलिए मैं वो बोला फोन लेने का, लेकिन गुड नाइट गुड मॉर्निंग नहीं डालने का, सिर्फ मैसेज डालने का। मैं रात को इनका टाइम जो अच्छा है, रात को मैं 10 बजे देखता था, फिर मैसेज करता था, सिर्फ काम करता था 11 बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक मैं साधना करता था, फिर झोपता था, सोता था, 4 बजे उठने का, बाकी काम चालू ही रहता। अच्छा, आप में से सबसे बुजुर्ग कौन है? मराठी बोला हूँ, मराठी में आप लोग बोल सकते हो, इधर है 77 है और ये 77 मराठी बोला, मराठी बोलो कोई बात नहीं। माझं नाव इंदुमती झोपे, माझं वय 77। तो आपको थकावट नहीं होता यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं मैं तो सबके आगे काम करने को तैयार हूँ। कुछ ऐसा भी नहीं है, सबसे बढ़िया जितने ये यहाँ पे जितने बड़े बुजुर्ग है ना, उन्होंने ज्यादा सीरियसली इस मौन व्रत को लिया, अच्छी योगा की है और बिल्कुल पूरा ध्यान लगा के पूरा क्लास, कुछ पता हो तो सब सबसे ज्यादा चुस्ती फुर्ती इन्होंने ही दिखाई है। और हमारे रूम की बेडशीट थोड़ा फटी हुई थी, तो बोले थी गुरु का मंदिर है, तो उसने सुई दोरा निकाला और सिलाया, खुद सिल दिया, धन चश्मा नहीं है आपके पास। अच्छा, यहाँ यहाँ पर आने का जो सबसे मुख्य जो अनुभव रहा आपका, सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ पर? यहाँ का निसर्ग, निसर्ग तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ का निसर्ग, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ के लोग, बहुत ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आए। यहाँ का वातावरण, व्यवस्था तो ओम भैया बताए थे हमको, गंगा की गोद और हिमालय की छाया में जो ध्यान किया वो सबसे बढ़िया था, वैसा ही है सबसे बढ़िया। सुबह जैसे ओम भैया बोले वैसा ही है, दो ढाई बजे नीचे आए तो डर नहीं। अच्छा, रात के 2 बजे नीचे आए तो हमें कोई डर नहीं। एक बहन यहाँ पर है हमारे गढ़वाल से ही है, ये आप आओ, नमस्ते, आप ये लोग आए ना, ये बिंड परेशान नहीं करे ना आप, नहीं 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 किया, मैं तो बहुत प्यार से रहते हैं मेरे साथ। अच्छा, बहुत प्यार से बात करते हैं, डरते होंगे ना आप इसलिए? गढ़वाल में तुम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया सबके लिए, अकेले खाना बनाया। अच्छा जी, 5 बजे खाना मिलता था, जब डांटना। अरे एक हमारी एक हमारे बुजुर्ग यहाँ पे राणा जी, बड़ा प्रणाम, बोला जरा तुम बोला कुछ, तुम कब जुड़े शक्तिपीठ जी? हम तुम 14 बजते। अच्छा, और फिर बरानी जी से हमारा मार्गदर्शक सन के माध्यम से हम हमारे संपर्क हुए नरेंद्र नगर में जी, और फिर हम शांति कुंज से गुरु दीक्षा लेनी, और फिर चाहिए कार्य में अपना। आप मंत्र मुंत्र सबसे क्यों लेख? मंत्र मुंत्र सबसे पहली भावना थी कि सुना जा रहा, कुछ एक थोड़ा सा छोटा मंत्र, एक आधा एक मिनट सुना जा रहा, कुछ भी क्या मंत्र, कुछ भी जो आप बोलो, सबसे बढ़िया। ओम भूर भूर्व स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आपको तो मैं खैर एहसान भूल नहीं सकता, हिंदी में बोलूंगा ताकि आप लोग समझें, मैं इनका एहसान नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ आने का माध्यम बदानी जी थे जो मुझे यहाँ तक लाए और जिनके साथ में यहाँ आया, तो आपका भी बहुत धन्यवाद। नहीं रतुड़ी जी, ये तो सब गुरु की कृपा होती है हम पे, क्योंकि देख लो इतने बुजुर्ग आदमी भी जो है अचानक नंदन नगर में मेरे से मिले थे, तो मैं गुरु जी की बात बता देता हूँ और लोग जो है उनके समझ में आ जाती है, वो आ जाते हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अब भाई जी को पर्चे ये लीजिए। मैं अनिल सकलानी हूँ और मैं परम पूज्य गुरुदेव से जो है वैसे बेसिकली बचपन से जुड़े हैं, हमारे माता पिता ने हमें ये संस्कार दिया है, और अभी यहाँ पर वर्तमान में मैं कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबंधन विभाग में हूँ, और आपदा के साथ साथ क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि दुख निवारण पतन निवारण पे, उस पे मैं काम करता हूँ आपदा प्रबंधन के तहत। गुरुदेव के विचारों को समस्त भारत में ही नहीं
जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है मैं गुरुदेव के विचारों को प्रचारित प्रसारित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, का ही आशीर्वाद है जी यहाँ तक हम पहुँचे। धन्यवाद आपका। अहो भाग्य हमारे कि आप सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई। और अब फाइनली कोई और कुछ अपना कोई तजुर्बा कोई एक्सपीरियंस आप कहने देना चाहेगा? एक नंबर, एक नंबर, बहुत अच्छा किया, थोड़ा शॉर्टकट में और अच्छा। पहली बार उन्होंने हमको मौन कैसा रहना, मौन कैसा करना, मौन कैसा रहना, यहाँ उन साहब ने हमको मौन कैसा करने का, यहाँ कैसा रहने का सभी का टाइम टेबल बता दिया। उसी टाइम हमने समझ लिया कि यहाँ का सब सिस्टम परफेक्ट रहेगा, वैसा हमको काम करना पड़ेगा। हमारे मौन छूट जाए तो क्या करें, दो बार छूट जाए फिर क्या करें, लेकिन छूटना ही नहीं तो आएगा। सब मोबाइल जमा करो, सिस्टम उनको बहुत अच्छी लगी, इसीलिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। ओम भैया को भी धन्यवाद देते हैं, आपके सभी टेहरी वासियों को हम धन्यवाद देते हैं। और छोटा भी तो डरो मत, ऐसा ये उसने बताया। हाँ। फिर गायत्री मंत्र का जप करो और करो, सबका छूट गया है, सबका एक एक दो दो बार, कोई ऐसा नहीं बाकी रहा, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है ना, आदत ही नहीं है तो सच बोलने में क्या है, आदत ही नहीं है तो पहली बार आए तो छूटेगा ही ना, सबका एक एक बार दो दो बार छूट गया है। लेकिन ओम भैया ने दिलासा दिया कि छूटने दो, कोई बात नहीं, तीन बार छह बार गायत्री मंत्र का जप करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे पहली बात मीडिया, गुरुदेव ने एक मौका दे रखा है यहाँ पे, आप लोगों का सभी का प्यार सहयोग चाहिए होता है हम लोगों को, और जितने प्यार सहयोग से आप लोग रहते हैं आप लोगों को उतनी ज़्यादा सुविधा होती है। सभी का स्वागत है न्यू टहरी गायत्री चेतना कैन शक्तिपीठ में, मौन साधना हेतु एक बार अवश्य आए यहाँ पर। अब आप फाइनली क्या कहना चाहेंगे? गायत्री मंत्र मेडिटेशन ध्यान मतलब त्रिकाल संध्या जो तीन बार की जाती है तो सबने वो घर में करना चाहिए, उससे मानसिक शांति बहुत मिलती है। आज हम शांति के लिए दौड़ रहे हैं ना, उसी शांति के लिए हम वाक्य नई टहरी आए थे। सबको यही प्रेरणा है कि आप भी त्रिकाल संध्या करो, गायत्री मंत्र की साधना करो, और एक बार जरूर शांति कुंज हरिद्वार में भी आइए और नई टहरी पे भी। अच्छा, एक सवाल, आप महाराष्ट्र में क्या करती हैं पीछे से? मैं पहले लेक्चरर थी, अभी तो मैं युग निर्माण का ही कार्य करती हूँ गुरुदेव जी का। जो जेल में कैदी होते हैं, कैदी के पास जाते हैं हम लोग, उनको थोड़े विचारों से थॉट ऑफ रिवॉल्यूशन, ये हमारा जो नारा है, तो वो हम उनसे करवाते हैं, योगा करवाते हैं। तो वहाँ आपके जैसे मीडिया वाले की ज़रूरत है, क्योंकि वो कैदी कहते हैं हम यहाँ से छूटने के बाद हम क्या करें, हमें कोई नौकरी नहीं रखेंगे। तो हमने कहा था हमारे शांति कुंज में आइए, स्वावलंबन सीखिए, हमारे यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, और अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। वहाँ पे काफ़ी महिला है, 500 से हज़ार हुए महिला कैदी है, उनमें भी बहुत शांति नहीं है। कोई योग दिन के लिए हम जाते हैं तो बोलते हैं हमको योगा मत सिखाइए, हमको शांति बताइए कहाँ से मिलेगी, तो वो शांति नई टेहरी में आके मिलेगी। तो कभी चांस मिले तो हम कैदियों को भी यहाँ लाने की व्यवस्था करेंगे, अगर वो जो महिला बाहर निकलेंगी ना उनकी सजा काटने के बाद, अगर वो चाहे शांति के लिए तो हम लेके आएंगे। और हमारा युग निर्माण सत्संकल्प बहुत बड़ा बैनर वहाँ पे चल रहा है, कि मतलब शरीर को भगवान का मंदिर समझकर इसके आरोग्य की हम रक्षा करेंगे और नियमितता द्वारा अपने आरोग्य। तो आपने कहा कैदियों को, तो सारे कैदी तो हम कैद में जकड़े हुए, अगर देखा जाए तो हम सब कैद में जकड़े हुए तो सब कैदी यहाँ लाना ना, तो हम कैदी तो और क्या है, हम भी कैदी, लेकिन उन्होंने जो गुनाह किया था उसके बारे में उनकी मानसिकता पूरी बिगड़ चुकी है, उनकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं है, वहाँ पे मेडिकल वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन उनको शांति नहीं। वहाँ के जेलर कहते हैं कि इनको शांति के लिए मैडम आप बताओ क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा शांति के लिए तो सिर्फ मौन साधना ही हमको सबसे अच्छी, और नौ दिवसीय साधना शांति। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और आप सभी का स्वागत है देवभूमि में उत्तराखंड के अंदर, और हमारे चैनल में पुनः गांव की। अब वहां जाके आपने क्या करना है, पुनः गांव की मैं अभी आपको कार्ड दे दूंगा, PUNH, थोड़ा इंग्लिश ढूंढना पड़ेगा आपको, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और फॉलो करना है आपने, ये चैनल महाराष्ट्र में शुरू करो, मैं खुद ही आऊंगा एक दिन, दो चार दिन तो आ ही जाऊंगा, हमारी मांग है ये। ठीक है, तो आपका धन्यवाद, हमारी ये मांग है आपका चैनल महाराष्ट्र में शुरू करो। धन्यवाद आपका, और उसी चैनल में गायत्री परिवार के सब गतिविधियां प्रवचन यज्ञ दिखाओ। ठीक, धन्यवाद, और सभी को मेरा नमन, जय गायत्री माता। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको देखो साहब, आप हम नवा कोट